आरती की थाली लिए दरवाजे पर एक टक नजर लगाए खड़ी स्वाति अपनी बहू का गृह प्रवेश करते हुए क्या सोच रही थी, आइए जानते हैं। आज एक बहू एक सास बनने जा रही है। जब उसने खुद पहली बार अपने ससुराल में कदम रखा था, उसकी सास भी यूं ही पूजा का थाल लिए दरवाजे पर खड़ी थी। सारी रस्में पूरी कर जब वो पहली बार घर के अंदर आई थी, चारों तरफ एक ही आवाज गूंज रही थी, बहू को इधर बिठाओ, बहू को ये बोलकर आओ। और नई नवेली मैं बहुत ही घबराई हुई थी। चारों तरफ सभी बहुत व्यस्त थे। रस्मों और रिवाजों के बीच किसी को याद ही नहीं था कि एक बार मुझे पूछे कि बहू किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। और ऐसे ही शाम हो गई थी और खाने का निवाला मेरे गले नहीं उतरा था। बाथरूम भी जाना था पर घर के आंगन में वॉशरूम था तो सबने कहा था अभी थोड़ा कंट्रोल कर लो बहू, वहाँ सब बुजुर्ग बैठे हैं, उनके बीच में से होकर जाओगी अच्छा नहीं लगेगा। इन्हीं सब बातों में वो गुम थी कि उसके बेटे नमन ने आवाज लगाई, ले माँ ले आया तेरी गॉसिप पार्टनर को। और ये सुनकर स्वाति का ध्यान टूटा और उसने अपने बहू बेटे को गले लगाकर घर के अंदर प्रवेश कराया। जिन परिस्थितियों का सामना स्वाति ने खुद अपने ससुराल में पहले दिन किया था वह उसे भली भांति याद था, इसलिए पहले से ही वह प्रण कर चुकी थी कि उसकी बहू के साथ वह वो सब कभी नहीं होने देगी। स्वाति की सास ने उसे आवाज लगाकर कहा, सुन बहू अपनी बहू को बुलाओ, कमरे में सारी रस्में निपटाने को पड़ी है, रिश्तेदार कब तक इंतजार करेंगे। ये सुनकर स्वाति ने पलट कर बोला, माँ जिसे जल्दी है उसे मैं मिठाई का डिब्बा देके विदा कर देती हूँ। रुतु स्वाति की बहू अभी थोड़ा कमर सीधी कर रही है, शादी की भागदौड़ में बहुत थकी हुई है, वो 2 घंटे नींद ले ले तभी मैं सारी रस्में करूंगी। ये सुनकर उसकी सांस भी चुप हो गई। तेरी बहू है भाई जो चाहे कर, ये कहकर दूसरे कमरे में चली गई। फिर उसने सारे काम छोड़कर रुतु के कमरे का रुख किया और उससे बोली, बेटा सुन अंदर से कमरे का गेट लगा ले, कोई भी आवाज लगाए मत खोलना, 2-3 घंटे आराम करो फिर कोई रस्म शुरू करेंगे। और मेरा मोबाइल हमेशा मेरे साथ है, कुछ भी चाहिए तो मुझे मिस कॉल मार देना। और बाथरूम में गीजर चालू कर दिया था मैंने थोड़ी देर पहले, जाओ फ्रेश होकर आराम करो, मैं बढ़िया नाश्ता भिजवाती हूँ। ये सब सुनकर रुतु स्वाति के गले लग गई, थैंक यू माँ बहुत नींद आ रही थी मुझे। और दोनों ही हंस पड़ी। चलो बेटा मैं थोड़ा मेहमानों को देखती हूँ बाहर। अरे स्वाति बहू कहाँ है, आते ही आराम शुरू, एक पड़ोसन ने स्वाति पर व्यंग कसते हुए बोला। पर जैसे आज स्वाति ने ठान ही लिया था वह एक नहीं सुनेगी किसी की और तुरंत पलट कर जवाब दिया, मेरी लाडली है वो, पहले आराम करेगी, शादी के कामों में बहुत थक गई है, ये कहकर आगे बढ़ गई। सुन कमला ऋतु के कमरे में फटाफट एक अदरक वाली चाय और कचौरिया भिजवा दे, सुबह से भूखी है वो, और वो आलू की सब्जी भी ले जाना ठीक है। बीबी जी अभी लेकर जाती हूँ, कमला मुस्कुरा कर बोली। कमला नाश्ते की ट्रे लेकर रसोई से बाहर निकली ही थी कि पीछे से किसी ने टोक दिया, अरे ये थाली कहाँ जा रही है। कमला ने जवाब दिया, नई बहुरानी के लिए बीबी जी ने भिजवाई है। तो पलटवार हुआ, अरे बहू कुछ नहीं खा सकती अभी, झूठे मुंह रस्में थोड़ी होंगी। कि स्वाति ये सब पीछे खड़े होकर सुन रही थी और अपने जवाब के साथ तैयार थी और आंगन में बैठी सारी औरतों को संबोधित करते हुए बोली, ऋतु को क्या करना है क्या नहीं उसके लिए मैं हूँ यहाँ, आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, सुबह की भूखी है मेरी ऋतु, हम सब भी तो पूजा में शामिल होंगी तो व्रत अकेली ऋतु क्यों रखे, बाकी सब तो कचोरियों का आनंद उठा रहे है और वह तो नई उम्र की है, देखेगी तो उसका भी मन करेगा, जा कमला फटाफट देकर आओ उसे। आंगन में 2 मिनट का मौन जरूर छाया पर उसके बाद किसी ने भी अपने हिसाब से नई बहू के लिए कानून नहीं बनाए और पहले दिन से हुई एक अच्छी और समझदार शुरुआत और स्वाति मन ही मन खुश हो रही थी, ऐसा लग रहा था आज उसे खुलकर सांस आई थी बरसों बाद। दोस्तों इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।